नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जीव विज्ञान भाग दो में मैंने जो सेल डिवीज़न पढ़ाया था उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि हम यहाँ पर क्वालिटी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, ना कि क्वांटिटी स्टडी पे। तो आज मैं उसको प्रूफ करने वाली हूँ कि मैंने आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक से जो भी पढ़ाया है वो सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले भी एग्ज़ाम में आया है और आगे भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो आज मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो सब आप तुरंत रटते चलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइटोलॉजी, सेल डिवीज़न एंड सेल ऑर्गेनल्स। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ऑल। तो आपका ऑप्शन सही है डी। नॉट ओनली द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एट्सेट्रा आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ द अबव। आपको ऑप्शन सही है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। आपको ऑप्शन सही है सेंट्रोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस, मियोसिस, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, नन ऑफ द अबव। आपको ऑप्शन सही है सी, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल? वैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, लाइसोसोम, बोथ ए एंड बी। आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे डी, वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू द पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम इंजरी, मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, ऑल। आपका आंसर है डी। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज? लिवर सेल, नर्व सेल, मसल सेल, नन ऑफ द अबव। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है बी, नर्व सेल। द लॉन्गेस्ट सेल्स आर न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सेल्स, विद अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, लिंकिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन मेनली सेल ऑफ स्टेम, सेल्स ऑफ रूट्स, सेल्स ऑफ लीफ, सेल्स ऑफ फ्लावर। आपका ऑप्शन है बी, सेल्स ऑफ रूट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स अराउंड विच स्टार्च कलेक्ट्स? अ स्टार्च स्टोरिंग कलरलेस प्लास्टिड इन द सेल्स ऑफ रूट एंड अंडरग्राउंड और इंटरनल प्लांट पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई, ग्रीन एल्गी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है ए, बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, approximately how many cells are present in the body of an adult person? 1014 1015 1018 1021। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है ए। द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड? डुप्लीकेशन, ग्रोथ फेज, सेल साइकिल, इंटरफेज। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है सी, सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? रेस्पायरेशन, जर्मिनेशन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस। तो आपको ऑप्शन सही यहाँ पे ग्रोथ। विद हाउ मैनी सेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स? टू सेल्स, सिंगल सेल, मैनी सेल्स, सोमैटिक सेल्स। तो आपको ऑप्शन सही है बी, सिंगल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन एन एडल्ट पर्सन? सोमैटिक सेल्स, गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल, जाइगोट। आपका ऑप्शन सही है ए, सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? एस फेज, एम फेज, जी1 फेज, मेटाफेज। आपको ऑप्शन सही है यहाँ पे जी1 फेज।
ड्यूरिंग विच फेज कैन न्यूक्लियस बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली, मेटाफेज टू, अर्ली प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। तो आपको ऑप्शन सही है यहाँ पे बी। माइटोसिस एक्चुअली मीन्स रिप्रोडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओनली, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ओनली, बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है डी। द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग द न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट्स एंड क्रोमोसोम अपीयर इज नोन एज इंटरफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, एनाफेस। आपका ऑप्शन है सी प्रोफेस। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड ड्यूरिंग प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है बी मेटाफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द डिवीजन ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम। आपका ऑप्शन है ए सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्योंकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। आपका ऑप्शन है ए प्रोफेज वन। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज एसोसिएटेड विद डीएनए डुप्लीकेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपका ऑप्शन है सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर ये स्टेजेस दी हुई हैं सेल डिवीजन की और उनमें क्या होता है वो कॉलम टू में दिया हुआ है। लेप्टोटीन इसके साथ आपका मैच करेगा, ये क्रोमोसोम अपीयर्स फिलामेंटस। ऑप्शन बी जाइगोटीन, डेवलपमेंट ऑफ साइनेप्सिस। पैकेटीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। डी डिप्लोटीन, आपका इसमें होता है जीन्स एक्सचेंज एट कियाजमेटा, डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियोलस डीअपीयर्स। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज सेल साइकिल स्पैन ऑफ अ ईस्ट सेल, 70 मिनट, 85 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज ऑफ सेल डिवीजन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आपको ऑप्शन यहाँ पे सही है ए। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कौन से स्टेज किसके बाद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोसोम डिवीजन, टू ईच न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोम डिवीजन, वन ईच न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोम डिवीजन, वन न्यूक्लियर एंड टू क्रोमोसोम्स डिवीजन। ऑप्शन यहाँ पे सही है ए। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी मेल आईडी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।